अस्सलाम वालेकुम खवातीन आजाद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पूछा था कि स्टोरी टाइम दोबारा से कंटिन्यू करें, तो आप लोगों ने कहा हाँ। तो आज एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी लेकर आए कि हमने स्कूल बंक किया था। हमने मतलब मैं था प्लान में लेकिन मैं नहीं था बंक में। अभी समझाते सब समझ में आ जाएगा। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो भाई मोहिब और इसका एक भाई है मोहिज, सही है। हम और उसने जो है ना प्लान बनाया कि भाई स्कूल बंक करते हैं। ये हमारे लिए एक वो होती थी कि यार दादा स्कूल बंक, एक अचीवमेंट अनलॉक्ड वाली रिस्पेक्ट प्लस कि भाई यार ये बंक करेंगे। तो प्लान बनाया कि भाई सुबह निकलेंगे स्कूल के टाइम पर, और ये टुडेज होटल है वहाँ पर जो है ना पहुँच जाएंगे, हाँ बफर जोन में, वहाँ से फिर हम घूमेंगे फिरेंगे और स्कूल के टाइम पे घर वापस चले जाएंगे। VIP मस्त प्लान है एकदम। लेकिन आपका भाई उस वक्त फट्टू था, सही है ना? अभी भी है लेकिन उसको भी है, पट्टे से 1 किलोमीटर दूर कर आगे। अच्छा, तो उस वक्त मैंने कहा कि ठीक है ठीक है। अब रात में मैंने लेट के सोचा कि मैंने कहा दादा अगर पकड़े गए तो बड़ी गंदी कुटास हो जाएगी और ये हो जाएगा। मैंने इन लोगों को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा भाई आप अपना प्लान वैसे रखो, मैं ठीक है मिलता हूँ। सुबह हो गई, मैं रेडी होकर स्कूल चला गया। ये लोग सारे चले गए, इसमें ये नहीं है, और लड़के भी थे इसमें, मोहिब भी था, मोहिज भी था और दो लड़के और थे। तो वो पहुँच गए अपना टुडेज होटल पर। अब वहाँ से ये लोग, फिर क्या किया भाई? क्या सीन ये हुआ, मैं मेरा भाई और दो लड़के हम लोग टुल्ला मारने निकले बंकर में। हम लोगों ने दूसरी गली पकड़ी, वहाँ पे रश नहीं होता इतना, हम लोग वहाँ से निकले ताकि हम छुपके छुपाते निकल जाएं हम आगे। वहाँ पे हुआ कुछ यूं कि वहाँ से ताबिश का घर करीब था। ये ताबिश अभी नहीं ताबिश का घर करीब था, इन्होंने हमें देख लिया वहाँ से जाते। अब ये बाबूजी मैं अच्छा जी। फिर उसके बाद ये हुआ, हमारे थे नॉर्मली अपने टाइम से स्कूल, रास्ते में अचानक मारिया होम्स के पास, यहाँ स्कूल के करीब ही हो शायद, मान मोहिब मुईज और दो लड़के और उनका नहीं पता मुझे, ये आ रहे सामने से। अब ये स्कूल के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा यार ये स्कूल ही जा रहे होंगे और कहाँ जाएंगे। मैं सीधा सीधा अपना चला गया, इन लोगों ने मुझे देखा है नहीं पता नहीं। स्कूल में बैठे हुए प्रेजेंट लगाने का टाइम आया, अटेंडेंस शुरू हुई, तो सबके नाम लिए जा रहे थे, हमारा भी लिया गया। अब जब मोहिब का नाम आया, इत्तेफाक से उस टाइम मेरी कॉन्सेंट्रेशन मिस पे ही थी, मैंने कहा यार मोहिब एबसेंट कैसे हुआ, इधर उधर देख रहा हूँ पूरी क्लास में, मैंने कहा इसको मैंने देखा है यार। तो फिर मैंने मिस को बोला, मैंने कहा मिस वो मोहिब होगा ना यहीं पे कहीं। अब मैं, मेरी ये नियत थी कि इसकी प्रेजेंट लग जाए जब आया है स्कूल, मुझे क्या पता था इसकी नियत अभी सुन तो ले। तो मैंने बोला मिस वो आया होगा, मिस बोलनी नहीं बेटा नहीं है क्लास में। मैंने कहा हो ही नहीं सकता मिस, मैंने खुद देखा। बोलनी आपको गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने खुद देखा है आता वहां। वो नहीं मान रही थी, लेकिन मैंने कहा यार मेरा दोस्त बच जाए, बस की थी दोस्त बच जाए। तो अब ये हुआ कि इसने मिस को एक मिनट पूरा नहीं हुआ है, मेरे को बोल देना कि मुझे कब बोलने का। इसने बोला अलो पक्का श्योर है बेटा? मैंने कहा हाँ मिस, मैंने खुद देखा है, वो था मुइस था और दो लड़के और थे। बस ठीक है बेटा हम देख लेंगे, बस ये बोल दिया उन्होंने और मैं बैठ गया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या मजा। मैं उस दिन स्कूल चला गया, शाम में मुलाकात हुई हमारी, तो मोहिब ने बताया यार तुम आए नहीं पहले, तो तुम आए नहीं, इतना मजा आया, हम लोग घूमे। अच्छा ये उस वक्त ना बच्चे थे, तो बच्चों वाले बातें भी ना, बोले हम लोग उस दिन इतना पैदल चल रहे, मेरे पाँव का बूटे से खून आ गया था, झूठ बोल रहा था। ये अभी भी झूठ बोल रहा है, तो वह ये हो गया कि मैंने कहा दादा अच्छा यार ये बड़ा गए होंगे दूर दूर। बहरहाल दूसरे दिन जो असल चीज हुई ना, वो ये हुआ कि दूसरे दिन पूरे स्कूल को पता था कि भाई इन्होंने बंक मारा है। ठीक है, अब पहले जो है ना वो हमारे सर थे, वो एक क्लास में गए, उन्होंने पूछा भाई कौन कौन था आपके साथ शामिल प्लान में ये वो। तो मोहिब भाई ने बोला कि काशान भी था ये वो। ठीक है, वो मेरे पास आ गए कि भाई तुमने भी बंक मारा। मैंने कहा सर मैं इन लोगों के साथ था, फुल शरीफ हो गया ना वहाँ पर, जो कहूँगा सच कहूँगा। मैंने कहा मैं इन लोगों के साथ था, लेकिन सर मैं बंक नहीं मारा, अगर आप चाहें तो मेरी प्रेजेंट देख लें। उन्होंने रजिस्टर खोला, मेरी प्रेजेंट लगी हुई थी, दाढ़ी का टोपी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए लाते बड़ी मुक्के बड़े मैंने मिला ये बहुत क्लासों में ले जा के मारा है। अच्छा इस बंदे बाद में हमारा दोस्त बन गया, लेकिन उस वक्त
भाजपा के बावजूद इसकी तस्वीर अभी दिखाएंगे स्कूल के जमाने की, कैसा हुआ था। तो अब सीन ये हुआ कि अब होता ये था कि हमारे कोई 7-8 पीरियड होते थे, तो जो पहला पीरियड हुआ उसके अंदर मिस आई जलील कर रही है, हेड डाउन करा रही है, दूसरे सर आए वो सर है वो बड़े हराम क्या बोलेंगे, तो वो जो है ना यार आपसे पूछा तो वो सर आके जो है ना वो बहुत टाइट मार रहे हैं इसको बेचारे, बड़ा मुझे भी दुख हो रहा था कि यार क्या, या तो मैं शामिल हो रहा था, ये हो रहा था कि ये भी साथ नहीं पिट रहा था, पक्की बहुत पक्की उस दिन ह्यूमन नेचर के बारे में एक और चीज जानी हमने कि दोस्त नहीं पिटे तो ज्यादा तो ये हुआ कि बहुत जलालत हुई फिर एंड में। अच्छा एक चीज ऐड करनी है, जिस दिन ये वाला सीन मैंने बताया था ना मिस को, उसके बाद रेसेस में मुझे मोहिब के अब्बू दिखे सामने से, अब उस टाइम वो थे भी यंग और थे भी अट्टे कट्टे पांडा टाइप के, वो मेरे सामने आ गए, मैं मासूम सा नन्ना सा, मैं अचानक ही उनको देख के घबरा गया, बोले बेटा बताओ कहाँ देखा था इन लोगों को, मैंने अंकल मारिया के बाद देखा था, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को टोपी नहीं दे रहे, मेरे को जाने दे रहे, मैं भागा वहां से भाई टायर्ड करना था आगे। हाँ भाई फिर वो रात में क्या हुआ, दलाला ये कि हम स्कूल से घर पहुंचे जाके सो गए, बीच नींद से अम्मा ने उठाया हमें कि उठो एक जगह जाने आओ आओ टिकरा आ गए, जाना कहाँ है, फिर हम गए उन दो लड़कों के घर जो हमारे साथ थे, वहां बैठे भी था साथ उनकी फैमिली हमारी फैमिली और हम चारों सामने, और इतने जलील हुए वहाँ पे उनकी फैमिली के और मेंबर भी थे, वो दूसरे खड़े हंस रहे थे, कुत्तों की तरह हंस रहे थे हमारे ऊपर, और हम बहुत जलील हुए। तो फिर उसके बाद जब ये स्कूल में आए तो इनको ये ना बड़ी दलालत फील हुई, और आपका भाई क्लीन चिट हो गया सर, दलालत आ रही है मतलब ये है कि तो फिर मैं क्लियर हो गया। तो खैर ये कहानी थी हमारी कि जिसमें हमने बंक का प्लान बनाया जो कि कामयाब इन लोगों के लिए हुआ लेकिन नाकाम हो गया, और मैं नाकाम होके भी कामयाब हो गया, वाह क्या कहने, लेकिन मैं इसका एंड में मैसेज ये कह है भाई कि पहले जो है ना आप बंक तो ना करें स्कूल, अच्छी बात नहीं है, और अगर करें तो प्लान बड़ा पक्का होना चाहिए और प्लान बी भी होना चाहिए। नकाब पहन के निकले अगर आपका कोई देख ले तो ना पहचाने। वैसे मेरा इसका पड्डा भी होता था, एक दो बार पड्डा भी हुआ है, बस टाइट पड्डा हुआ था चौक मारने। अच्छा यार सारी बातें करोगे तो भैया ये थी कहानी हमारी जिसमें हमने बंक मारा था। अगर आप लोगों ने भी स्कूल के बंक मारे तो अपनी स्टोरी जो है कमेंट में शेयर करिएगा। सही है भाई, सही। हाँ ये कमेंट नीचे होते ना वीडियो, ये होती कमेंट नीचे होते। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी रुक जाओ ना, बंद नहीं करो, बोल ना कर दी बंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द क्या लगे भाई, चलो शाबाश कटो नहीं।